मैं कैसे बेकिंग करूंगी, मैम तो 1/4 टीस्पून बोलती है, मैम तो 65 ग्राम बोलते हैं, इतना सारा समझ में नहीं आता। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सिर्फ फोर्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ। कितना? फोर्थ स्टैंडर्ड तक, फर्स्ट टर्म तक। लेकिन आज इतना बड़ा अकेडमी रन कर रही हूँ, क्यों रन कर रही हूँ, इतने लोगों को सिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें सोची नहीं कि ओ माई गॉड ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। जो मेरी टीचर ने मुझे सिखाया, जो मेरे क्लासेस में मैंने सीखा, वो चीज़ को एग्जैक्टली फॉलो की। और हर चीज़ का माप चम्मच पे लिखा रहता है। मैंने आपको सिखा दिया 1/8 लेना है, यानी कि 1/4 का हाफ। तो आपको ज़रूरी नहीं है चीज़ें पहले से आए। आप अगर नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं, आपको बेकिंग करियर शुरू करना है, आपको अर्निंग शुरू करनी है, घर बैठे आज ही बनाइए और शुरू कीजिए। अब ये मैंने ले लिया बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। और ये देखिए चम्मच में लिखा हुआ ये हाफ टी स्पून। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तभी समझे, इस पे लिखा हुआ है। आपको पता है मैं फोर्थ स्टैंडर्ड भी फर्स्ट टर्म तक ही गई हूँ। अब ये देखिए हाफ टी स्पून मैंने लिया, पर ऐसे भर के नहीं लोंगे, दिस इज द रॉन्ग वे टू टेक। हमेशा टॉप पर से ऐसे कट कर लूँगे सी, और लेवल करके लूँगे। देख रहे हो मेरी चम्मच कैसा लेवल है, ऊपर तक नहीं आ रहा। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा फ्रेश होना चाहिए, मार्केट से लाकर आपको एयरटाइट कंटेनर में रखना है। एक्सपायरी डेट चेक करके लेनी है कि बहुत पुराना ना हो। हर 3 से 4 महीने में बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर चेंज करना है, इसलिए बहुत बड़ा डब्बा स्टॉक ना करें, छोटा छोटा डब्बा लिया करें, ठीक है। और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर जितना अच्छा होगा आउटकम उतना अच्छा होगा। बेकिंग भी कर रहे हो ओपन मत रखो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, जैसे काम हो गया एयरटाइट कर दो, एयरटाइट नहीं किया आउटकम खराब मिलेगा। नाउ विल टेक इज दिस कंडेंस मिल्क, ठीक है कंडेंस मिल्क ले लेंगे। कंडेंस मिल्क है, कोई भी कंपनी का लो, ज़रूरी नहीं है अमूल का ही हो, कोई भी कंपनी का। हमें 100 ग्राम कंडेंस मिल्क चाहिए। तो 100 ग्राम अगर आपके पास, आप ये लीटर वाले इसमें से भी ले सकते हो ग्राम्स, 100 ml, ठीक है। यहाँ देखिए लीटर वाले इसमें 100 ml दिया हुआ है, वो भी ले सकते हो। ग्लास में सब सेक्शन अलग अलग दिए हुए, या फिर हाफ कप ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ले लिया हाफ कप। हाफ कप हमेशा एकदम ऊपर तक ना भरे, थोड़ी सी जगह हमेशा बाकी रखे, ठीक है। ये हाफ कप कप पे भी लिखा हुआ है, आपको जरूरी नहीं है कि ये भी पढ़ने आना चाहिए। यस कंडेंस मिल्क जरूरी है। देखो आपको केक टेस्टी चाहिए ना, कि आपके पास क्लाइंट आए। अब देखो मेरे पास कैसे क्लाइंट आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बिकॉज एक स्टूडेंट सीख के जाता है, घर वालों को बना के खिलाता है, रिश्तेदार समझ जाते कि इतना अच्छा केक तो HKR ने ही सिखाई है, क्योंकि हमने उसको देखा था उसकी क्लास में। तो वो अच्छा टेस्ट आपको दूसरा स्टूडेंट भी देता है, दूसरा क्लाइंट भी देता है। तो आप अच्छा केक बनाओगे, टेस्टी बनाओगे, तो अगर आप भी बेकिंग टीच करना शुरू करोगे मुझसे सीखने के बाद, आप भी अपने केक सेल करना शुरू करोगे मुझसे सीखने के बाद, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे ना आपके वर्क को। अगर आपका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा नहीं होगा तो आपको लोग कैसे अप्रिशिएट करेंगे, क्लाइंट कैसे मिलेगा। अब कंडेंस मिल्क 100 ग्राम सिर्फ 32 रुपीज़ का होता है, 32 रुपीज़ बचाने के लिए आप अच्छी चीज़ ना दो तो क्लाइंट कैसे मिलेगा बताओ। तो ये 32 रुपीज़ बचाने नहीं है, डाल दो ताकि आप इन अ डे 3200 भी कमा सको, एंड फ्यूचर में इन अ डे 32 लैक्स भी पॉसिबल है बेकिंग बिजनेस में। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है केक बर्थडे पे भी लगता है, केक डेथ एनिवर्सरी पे भी लगता है, केक वेडिंग एनिवर्सरी पे भी लगता है, केक ब्रेकअप पे भी लगता है। तो केक बहुत ज़रूरी है, वैलेंटाइंस डे पे भी लगता है, फ्रेंडशिप डे पे भी लगता है। तो केक ना डेली लाइफ का एसेंशियल हो गया है, और फ्यूचर में तो और भी चीज़ों पे लगेगा। आज सीख लोगे तो फ्यूचर में काम आएगा ना, फिर बेचोगे। अभी जाके फ्यूचर में सीखोगे तब तक तो दूसरे लोग भी नाम बना चुके होंगे इस मार्केट में। तो अभी से सीखना शुरू करो ताकि 2-3 महीने में तो आप भी प्रो हो जाओ इस मार्केट में। तो फोकस करो और ये 32 रुपीज़ बचाने की कोशिश मत करो। हाँ मुझे ये लगे। अब 1 tablespoon ये चाहिए हमें क्या, बटर, सॉफ्टन बटर देख रहे हो, और बटर माउंटेन फुल लो चलेगा। सी ओके गाइस, तो ये मैंने सॉफ्टन बटर ले लिया है। ये देखिए सॉफ्टन बटर यानी 20 ग्राम्स, 1 tablespoon यानी 20 ग्राम्स, ठीक है। यस वीडियो ऑफ हो गया ना, वेट आई विल जस्ट चेक।